लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय सियासतदान अते राजनेता सन जिन्होंने 1964 तो 1966 तक के भारत के दूजे प्रधानमंत्री 1961 तो 1963 तक भारत के छेवें गृहमंत्री वजों सेवा निभाई। उन्होंने चिट्टी क्रांति को अगे वधाया, दुध के उत्पादन अते सप्लाई को वधाने लई एक राष्ट्रीय मुहिम आनंद गुजरात के अमूल मिल्क कोऑपरेटिव समर्थन करके अते राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बना के कीती। भारत के अनाज उत्पादन नू हुलारा देण दी लोड़ नू रेखांकित करदे होए शास्त्री ने 1965 विच भारत विच हरी क्रांति नू वी उत्साहित किया। इस नाल अनाज के उत्पादन विच वाधा होया, खास करके पंजाब हरियाणा अते उत्तर प्रदेश राज्यां विच। 11 जनवरी 1966 नू उह इस दुनिया तो रुखसत होई सी। अज दी इस वीडियो विच जानण दी कोशिश करांगे उहनां दे जीवन बारे। तुसीं देखणा शुरू कर चुके हो इतिहास दी गल। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्तूबर 1904 को मुगल सराय में शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी के घर होया सी। उन्होंने ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज अते हरीश चंद्र हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। अगे जाके जिसनू असहयोग अंदोलन में शामिल होने लई छड़ दिता। मुजफ्फरपुर विखे हरिजना की बेहतरी लई काम किया, श्रीवास्तव का जात प्राप्त उपनाम छड़ दिता। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी अते एनी बेसेंट बारे पढ़ के शास्त्री के विचार प्रभावित होए। गांधी तो बहुत प्रभावित होकर वह 1920 के दहाके में भारतीय सुतंत्रता अंदोलन में शामिल हो गए। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसायटी लोक सेवा मंडल के प्रधान वजों भी उन्होंने सेवा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रमुख अहुदों पर रहे। 1947 आज़ादी तो बाद वह भारत सरकार में शामिल हो गए और प्रधानमंत्री नहरू के मुख्य मंत्री मंडल के सहयोगियों में एक बने। पहला रेल मंत्री और फिर गृह मंत्री समेत कई होर प्रमुख अहुदों पर रहे। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग दौरान वह बतौर प्रधानमंत्री देश की अगवाई कर रहे सन। उन्होंने दिता नारा जय जवान जय किसान जंग दौरान बहुत मशहूर होया। युद्ध रस्मी तौर पर 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते नाल खत्म होया। अगले दिन उन्हां दी मौत हो गई। उन्हां दी मौत दा कारण हमेशा विवादां विच रहा है। उन्हां दे मरण उपरंत उन्हां नूं भारत रत्न नाल सन्मानित किया गया। जे उन्हां दे मुढ़ले जीवन की गल करिए, शास्त्री का जन्म 2 अक्तूबर 1904 नूं अपने नाना नानी के घर एक क्यास्थ परिवार विच होया सी। शास्त्री के पुरखे बनारस के नेड़े रामनगर के जिमीदार के घर रह रहे सन। शास्त्री अपने जीवन के पहले साल उत्थे रहे। शास्त्री के पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल अध्यापक सन, जो बाद विच इलाहाबाद के माल दफ्तर विच क्लर्क बन गए सन। जदों कि उसकी माँ राम दुलारी देवी मुगल सराय के एक रेलवे स्कूल विच हैडमास्टर अते अंग्रेजी अध्यापक मुंशी हजारी लाल की धी सी। शास्त्री अपने माता पिता का दूसरा बच्चा अते सब तो वड्डा पुत्र सी। उसकी एक वड्डी भैन सी कैलाशी देवी। अप्रैल 1906 जदों शास्त्री की उम्र 18 महीनों की सी, उसके पिता जिन्हां नूं हुणे हुणे डिप्टी तहसीलदार के अहुदे ते तरक्की दी गई सी, दी बबोनिक प्लेग की महावारी विच मौत हो गई। राम दुलारी देवी उस समय सिर्फ 23 साल की सी अते अपने तीजे बच्चे नाल गर्भवती सी। अपने दो बच्चों नूं लैके रामनगर तो मुगल सराय विच अपने पिता के घर चली गई। उसने जुलाई 1906 एक धी सुंदरी देवी नूं जन्म दिता। इस तरह शास्त्री अते उसदियां भैणां उसके नाना हजारी लाल के घर वड्डे होए। हालांकि 1908 हजारी लाल की मौत हो गई। इस तो बाद परिवार की देखभाल उसके भरा दरबारी लाल द्वारा की गई। यह स्थिति उस समय के माहौल नाल पूरी तरह मेल खाती सी, जिथे भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली एक प्रफुल्लित हकीकत सी। परिवारक संबंधा अते जिम्मेवारी की भावना जिसनों इसने प्रफुल्लित किया। ना ही इन हालातों तो अंदाजा लगाया जाना चाहिए है कि शास्त्री घट विशेष अधिकारित ढंग वड्डे होए जां उन्हां दी सिक्ख्या सहूलतां विच किसी भी तरीके समझौता किया गया। इस दे उल्ट क्योंकि वह पहले दर्जे का विद्यार्थी सी, उसने अपने कुछ चचेरे भरावां नालों वध सिक्ख्या प्राप्त की। फिर भी जिवें कि हुण कायस्थ परिवार विच सिक्ख्या नूं बहुत महत्व दिता गया सी अते बिंदेश्वरी प्रसाद एक स्कूल अध्यापक की सीमित तनखा उत्ते बहुत सारे आश्रितों के नाल फिर भी अपनी देखभाल विच सारे बच्चों नूं चंगी सिक्ख्या देण विच कामयाब रहे। 1917 विच बिंदेश्वरी प्रसाद नूं वाराणसी विच तब्दील कर दिता गया अते राम दुलारी देवी उसके 3 बच्चों समेत पूरा परिवार उत्थे आ गया। वाराणसी विच शास्त्री हरीश चंद्र हाई स्कूल विच 7वीं जमात विच पढ़ते हुए इस समय उसने श्रीवास्तव के अपने जाति उत्पन्न उपनाम नूं छड्डण दा फैसला किया। 1928 विच शास्त्री महात्मा गांधी के सदे ते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सरगर्म अते परपक मैंबर बन गए। उसनूं 2.5 साल की कैद हुई। बाद विच उन्हां नूं यूपी के संसदी बोर्ड के संगठन सकत्तर वजों काम किया। उन्हां नूं आजादी अंदोलन नूं व्यक्तिगत सत्याग्रह समर्थन की पेशकश करने लई 1 साल लई जेल भेज दिता गया सी। 8 अगस्त 1942 नूं महात्मा गांधी ने बंबई के गोलाविया टैंक विखे भारत छड्डो भाषण जारी किया।
जिस विच अंग्रेजां नूं भारत छड्डण दी मंग कीती गई। शास्त्री जो एक साल की जेल कट्टण तों बाद हुणे हुणे ही बाहर आए सन ने इलाहाबाद की यात्रा की। एक हफ्ते लई उन्हां जवाहर लाल नहरू के घर आनंद भवन तो सुतंत्रता कारकुनां नूं हिदायतां भेजियां। उन्हां ने 1937 तो 1946 तक संयुक्त प्रांतां लई एक चुने हुए प्रतिनिधि वजों सेवा की। भारत की आजादी तो बाद शास्त्री नूं उन्हां दे गृह राज उत्तर प्रदेश विच संसदी सकत्तर नियुक्त किया गया सी। रफी अहमद किदवई के केंद्र विच मंत्री बनने तो बाद 15 अगस्त 1947 नूं गोविंद बल्लभ पंत दे मुख्यमंत्री वजों वह पुलिस अते ट्रांसपोर्ट मंत्री बने। ट्रांसपोर्ट मंत्री वजों वह सब तो पहला महिला कंडक्टरां दी नियुक्ति करन वाले सन। पुलिस विभाग के इंचार्ज मंत्री होने के नाते उन्हां हुक्म दिता कि पुलिस बेकाबू भीड़ नूं खिंडाउण लई लाठियां दी बजाए पानी दे जैटां दी वरतों करे, जिस दे निर्देश उन्हां द्वारा दिते गए सन। पुलिस मंत्री वजों उन्हां दे कार्यकाल विच फिरकू दंगियां, वड्डे पद्धर ते प्रवास अते शरणार्थियां दे पुनर्वास नूं सफलतापूर्वक रोकिया गया। 1951 विच शास्त्री नूं प्रधानमंत्री वजों जवाहर लाल नहरू दे नाल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दा जनरल सकत्तर बनाया गया सी। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 1952, 1957 ਅਤੇ 1962 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 1952 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 69% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ 13 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 1959 ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ 1964 ਵਿੱਚ ਮੰਗਲੌਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। 27 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ 1964 ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸੱਜੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ।